तेजी से बढ़ रही जनसंख्या ने परिवहन सेवाओं पर भी भार बढ़ाया है। रोजाना बढ़ रही यात्री संख्या, छुट्टियों के मौसम और त्योहारों के दौरान भारतीय रेल पर भी भारी दबाव पड़ता है। रेलों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने पड़ते हैं, विशेष ट्रेनें चलानी पड़ती हैं, जिससे ट्रैफिक लोड बढ़ता है। इन्हीं जरूरतों को देखते हुए डबल डेकर ट्रेनों की शुरुआत की गई है। भारतीय रेल ने डबल डेकर ट्रेन की कमियों को दूर करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस कड़ी में अब कपूरथला कोच रेल फैक्ट्री में तेज रफ्तार डबल डेकर कोच का भी निर्माण किया जा रहा है। भारतीय रेल ने सेमी हाई स्पीड डबल डेकर कोच तैयार करने में सफलता प्राप्त कर ली है। ये कोच 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं, जो भारतीय रेल के स्पीड अप मिशन के भी अनुकूल है। ये नए डबल डेकर कोच पहले के मुकाबले ज्यादा आधुनिक हैं, जिन्हें अधिक यात्री क्षमता के अनुरूप डिजाइन किया गया है। अब एक कोच में 120 यात्री बैठ सकते हैं। यात्री की सुविधा के लिए पंक्तियों के बीच ज्यादा चौड़ी गैलरी रखी गई है। इन कोच में GPS आधारित यात्री सूचना प्रणाली के साथ LED डिस्टेंस सूचना सिस्टम लगाए गए हैं, स्वचालित स्लाइडिंग डोर हैं और हर कोच में मिनी पैंट्री की व्यवस्था की गई है। सुरक्षित और आरामदेह सफर के लिए इन उन्नत फियाट डिजाइन कोच में एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सिस्टम है। साथ ही ये कोच CCTV कैमरा और फायर तथा स्मोक सेंसर से लैस हैं। इन डबल डेकर कोच को जल्द ही व्यस्तम मार्गों पर लाया जा रहा है, जिससे लंबी वेटिंग की समस्या खत्म होने के साथ यात्री सुरक्षित और अत्याधुनिक रेल यात्रा का अनुभव कर सकेंगे। नए भारत की नई रेल, भारतीय रेल।